Okay, welcome back students, and this is class 10th physics, and today our topic is uses of concave mirror or application of concave mirror. But uses of concave mirror करने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार आप इनको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लें, आपको बिल्कुल याद हो जाए कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखने पे कॉनकेव मिरर उसकी इमेज कहाँ पे बनाता है. ठीक है, तो एक एक करके हम पहले चलो पोजीशन डिस्कस करते हैं. तो आप देखेंगे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, पहला केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ पे बन रही है भाई, फोकस पर. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके आए आप, ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं पहुंचा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखे हैं, यानी कि बियॉन्ड द सी. तो इमेज देखिए थोड़ा सा लेफ्ट बन खिसक गई है, जो इमेज पहले फोकस पे बनती थी अब कहां बन रही है, ये इसके लेफ्ट में खिसक गई है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. फिर और पोजिशन देखिए, ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाइए, कहां पे रख दीजिए, ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो इमेज देखिए और लेफ्ट खिसक गई, कहां पे बन रही है, ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है. ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, अब नई पोजीशन क्या होनी चाहिए, नई बारी है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जहां मर्जी वहां रख दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जहां मर्जी वहां रख दीजिए. तो इमेज पहले कहां बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, अब ऑन लेफ्ट खिसक गई, कहां बन गई, बियॉन्ड दी सी. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, और नजदीक लाते हैं और ठीक कहां पे रख देते हैं, फोकस पे. तो इमेज जो बियॉन्ड दिस ही बन रही थी डियर, अब वो और खिसक गई और कहां बन गई, फोकस पे. समझ में आई बात इतनी. तो ये और ये एक दूसरे के क्या है डियर, बिल्कुल उल्टे हैं. ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट जब कहां था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बनी, फोकस पे. जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे. इसका ठीक उल्टा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहां पे, इन्फिनिटी पे. ठीक है, अब पहला केस आपने देखा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे. अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आप इधर की ओर लाएंगे, इमेज कहां की ओर खिसकती जाएगी, लेफ्ट लेफ्ट फोकस से लेफ्ट साइड की ओर. जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोजर लेके आएंगे, ये जैसे जैसे क्लोजर लाएंगे, इमेज दूर भागता रहेगा इधर की ओर. समझ में आई बात इतनी. ऑब्जेक्ट इधर की ओर ला रहे हैं तो इमेज इधर की ओर भाग रहा है. अच्छा, फिर लास्ट में अब जब आपने फोकस पे रखा तो इमेज कहां बनी थी, इन्फिनिटी पे. अब हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आए मिरर के, कहां रख दिया, फोकस और पोल के बीच में. अब इन्फिनिटी के परे तो और लेफ्ट तो खिसक नहीं सकती ना इमेज, अब इन्फिनिटी पे लास्ट बना दी. अब कहां बन रही है, इस मिरर के भी पीछे, बिहाइंड द मिरर. समझ में आई बात इतनी. ठीक है, तो पहली हमने डिस्कशन कर दी किसकी, पोजीशंस की. अब दूसरी हम डिस्कशन करते हैं डियर, किसके बारे में, साइज के बारे में. तो पहले केस में आप देखिए साइज क्या है, पॉइंट साइज है. अब और नजदीक लाए, जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये आई, ये इंसिडेंट रे इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है. आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से थी, फोकस से. रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो, ठीक है, वहां पर क्या बनता है, हेड. चलो मैंने यहाँ पे हेड है माना. अब पैर कहां बनेंगे, पैर हमेशा जमीन पे, बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस पे, और हेड भी और फूड भी दोनों कहां बन रहे, प्रिंसिपल एक्सिस पे. तो साइज कैसा हो गया, बिल्कुल पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिशेड. ठीक है, फिर जब हम ऑब्जेक्ट को और क्लोजर लाए तो अब आपको दिख रहा है ये इधर किसका, लेकिन इमेज का साइज थोड़ा सा क्या हो गया, पहले के कंपेयर में बड़ा हो गया है, लेकिन अब भी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो साइज है इमेज का वो क्या है डियर, छोटा. ठीक है, इमेज का साइज बड़ा तो हो गया है पहले वाले केस से, लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपेयर में अब भी क्या है, स्मॉल है. डिमिनिशेड इमेज बोलते हैं इसको, या साइज ऑफ इमेज इज लेस देन इन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी और बियॉन्ड द सी. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को और क्लोजर लाए, तो अब देखिए ऑब्जेक्ट, ये इमेज इधर खिसकी, लेकिन इस बार जो है ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों क्या होता है डियर, इस केस में इक्वल होता है. ठीक है, ये पहले पॉइंट थोड़ी बड़ी, अब इतनी बड़ी होगी कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या हो गए, बराबर. अब अगला केस, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें तो इमेज का साइज और बड़ा हो गया.
समझ में आई बात? इस केस में साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन आपका ऑब्जेक्ट, और जब आप फोकस पे लेके आ गए तो इमेज जो है, इमेज ये कहां बनेगी? अब ये देखिए ये बनता कैसे था, याद है? ये ऑब्जेक्ट है, इसके हेड से एक लाइट रे भेजी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गई, एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ये इस पॉइंट से भेजी इसके हेड को टच करते हुए, ठीक है? तो ये टकराने के बाद क्या नहीं होगी, टकराने के बाद ये लाइट रे डेविएट नहीं होगी, अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। और जब आप इसको बिल्कुल मेजर करके बनाएंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ रही होंगी, और पैरेलल लाइन रे, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो मैं मान रहा हूं कहीं इन्फिनिटी पे अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी भी, तो चलो इन्फिनिटी कहां जो हमारी पहुंच में नहीं है, तो कहीं यहां अगर इन्फिनिटी होता भी है तो देखिए यहां बनेगा हेड और पैर कहां रहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इमेज का जो साइज है वो काफी क्या बनना है बेटा, लार्ज बनना है, यानी कि इमेज जो है हाईली क्या होनी है, मैग्निफाइड होनी है। ओके, देन इमेज का साइज और बढ़ गया, ठीक है? देखिए पॉइंट साइज से शुरू किए थे, धीरे धीरे साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और इस केस में देखिए ये कैसे बना था, ये फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे इसके हेड से निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गई, फोकस से, और दूसरी लाइट रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी जो इसके हेड को टच करते हुए निकल गई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही पाथ पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है बिना डेविएट हुए, जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस लौट गई। तो अब ये दोनों लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये कितना ही आगे बढ़ाओ ये हमेशा फैलती ही रहेंगी। समझ में आ रही है बात इतनी? तो ये कभी मीट नहीं करेंगी, बट अगर हम इनको पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, तो ये इस पॉइंट पे क्या करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है। एक्चुअल में लाइट रे यहां पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि लाइट तो ये आई यहां से टकराई और यहां चली गई है, यहां थोड़ी गई है, ये इधर आई टकराई वापस चली गई है। बस हमारी जो आई होती है वो लाइट रे को हमेशा कैसा चलता हुआ देखती है, डियर सीधा चलता हुआ देखती है, तो आई को ऐसा अपीयर होता है कि ये लाइट रे कहीं इस पॉइंट से और ये लाइट रे भी कहीं इस पॉइंट से आ रही है, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर क्या मिलेगा, हेड और पैर कहां, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है? अब देखिए इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या है, बड़ा है, ठीक है? अब अगली बात नेचर की, तो नेचर लाइट रे एक्चुअल में मीट करेंगी तो कैसे होगा, नेचर रियल और मीट करती हुई अपियर होंगी, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, मीट करती हुई अपियर होंगी, तो इमेज का जो नेचर होगा डियर वो होगा वर्चुअल, ठीक है? रियल इमेज हमेशा कैसी दिखेगी आपको, इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज कैसी होगी, हमेशा इरेक्ट। तो देखिए इस केस में इमेज कैसी बनेगी, रियल, और कैसी होगी, इन्वर्टेड। इस केस में भी आपको देखिए क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है ना इस पॉइंट पे, ये आई यहां से ये ठीक है, तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज रियल इन्वर्टेड, एक्चुअल में इंटरसेक्ट की इस पॉइंट पे, रियल इन्वर्टेड। ये इमेज भी जहां भी अगर मैं सोच रहा हूं कि कहीं यहां मिल जाए, वैसे मिलेंगी नहीं ये, जहां मिल जो गई तो क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है? और इस केस में जो इमेज बनती है सिर्फ इस केस में कैसी बनती है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इतनी बात समझ में आई तो शायद आपको ये याद हो जाए, बहुत टफ नहीं है, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आज, ठीक है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो एक होता है यूज इस वाले केस का, और इसका यूज होता है डियर किसमें, सोलर कुकर में। इस केस का यूज किसमें करते हैं हम, सोलर कुकर में, और आपका एक इसमें इसका यूज करते हैं हम इस वाले केस का, ये वाला यूज होता है डियर किसमें, सर्च लाइट में, सर्च लाइट, गाड़ी की हेडलाइट, हेडलाइट पे होगा, सर्च लाइट पे होगा, समझ में आई बात इतनी, टॉर्चेज में होगा,
और ये वाला जो है हॉस्पिटल में ये कौन यूज करते हैं? ईएनटी वाले डॉक्टर। ईएनटी बोले ईयर नोज एंड टंग, ठीक है, थ्रोट गला, सॉरी। तो ईएनटी वाले डॉक्टर्स इस वाले केस का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको समझते हैं। पहला केस सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में कैसे इसका इस्तेमाल होगा? तो हम क्या करेंगे, हमने एक कुकर लिया, मतलब एक बर्तन लिया, एक पॉट लिया, ये एक बर्तन है, इसके अंदर खाना है, ठीक है, इसके अंदर खाना रखा हुआ है डियर। और इसके ऊपर हम कौन सा मिरर लगा देंगे? इसके ऊपर हम कॉनकेव मिरर लगा देंगे, ठीक है। और ये ग्लास का बना होगा, ठीक है, ये बर्तन है और इस बर्तन के अंदर क्या है? खाना है। थोड़ा अच्छा सा फिगर बना दे। चलो ये वाले केस की जरूरत नहीं है, इसके अंदर खाना रखा हुआ है, कुछ भी है, मतलब दाल चावल ऐसा है। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? एक कॉनकेव मिरर। चलो लगा दें, ठीक। अब सोलर कुकर किस में यूज होता है? डे के टाइम है। अब सन से जो लाइट रे आती हैं वो ये ऑब्जेक्ट जो है इस कॉनकेव मिरर के लिए, ये देखिए कौन सा मिरर है, बल्ज पोर्शन में पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन दबे हुए पोर्शन से होगा। तो लाइट रे इस पे गिरेंगी, ठीक है। तो आपको अब पता चल चुका है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस पे। तो इससे लाइट रे आएंगी सन से, और ऑब्जेक्ट काफी दूर है तो इन सबको वो कहां पर किसी एक पॉइंट पे क्या कर देगा? मिला देगा, ठीक है। इमेज कहां पर बनी? इसकी फोकस पे। और इसके इस कॉनकेव मिरर के ठीक फोकस पे हम क्या रखेंगे? अपना बर्तन रखेंगे। समझ में आई बात? ये बर्तन का ऊपर का ढक्कन है। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो कॉनकेव मिरर इमेज कहां पे बनाता है? फोकस पर। और इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे हम अपना क्या रख देंगे? बर्तन। और ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से सेट होगा, बर्तन और कॉनकेव मिरर का कॉम्बिनेशन इस तरीके से सेट होगा कि कॉनकेव मिरर के फोकस पे कौन होगा? बर्तन, ताकि सन से जो लाइट रेज आ रही है वो कहां पर जाके इकट्ठा हो जाए, कहां पे जाके कलेक्ट हो जाए, इमेज कहां पे बने ऑब्जेक्ट की, इस सन की इमेज कहां पे बने? इस बर्तन पे बने। अब आपने देखा होगा ये एक्सपेरिमेंट आप बचपन से करते भी हैं, जैसे कि जब आप एक सन की इमेज लेंस से बनाते हैं किसी कागज पर, जब आप सन की इमेज किस पर बनाते हैं? कागज पर बनाते हैं बाय अ लेंस। तो आपने देखा होगा कागज क्या हो जाता था? जल जाता था, याद आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इतना बड़े सन की एक इमेज अगर आप पॉइंट साइज इमेज यहां पर बनाएंगे तो ये बर्तन काफी ज्यादा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और इसके अंदर का रखा हुआ जो खाना है वो खाना क्या होने लगता है डियर? पक जाता है। तो सोलर कुकर में किस तरीके से इस्तेमाल हुआ? फर्स्ट वाला केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पर। तो हम कॉनकेव मिरर और अपने बर्तन का सेटअप इस तरीके से करेंगे कि कॉनकेव मिरर के फोकस पर कौन सिचुएटेड हो? आपका बर्तन सिचुएटेड हो, ठीक है डियर। इतना अच्छा। अब दूसरा हम एप्लीकेशन है सर्च लाइट, हेडलाइट या फिर टॉर्चेज में रिफ्लेक्टर की तरह इसका यूज होता है। किसकी तरह? रिफ्लेक्टर की तरह। कौन सा केस? जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो? फोकस पे। तो इमेज कहां पे मिलती है? इंफिनिटी पे। तो इसको देखते हैं, ये एक कॉनकेव मिरर है, और ये मान लीजिए इसका क्या है? फोकस है, ये कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मान लीजिए एक आपका बल्ब यहां पर है, ये बल्ब है यहां पर। तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में, ये ऐसे रख दो, जैसे आपकी मर्जी वैसे रख दो, लो खड़ा ही रख दिया, ये एक बल्ब है, ठीक है। हम क्या करेंगे? कॉनकेव मिरर के फोकस पर अपना कौन रख देंगे? बल्ब रख देंगे, ठीक है। बल्ब, और ये कॉनकेव मिरर है, ये बल्ब है, और बल्ब को कहाँ रखेंगे? कॉनकेव मिरर के फोकस पे। अब देखिए, इससे एक लाइट रे आई, इधर गई। अब देखिए ये लाइट रे, अब ये जो है ये बल्ब काफी छोटा होगा,
ठीक है, इतना बड़ा नहीं होगा। तो इससे अब ये लाइट रेज कहां से आ रही है, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां से भी लाइट रे आई टकराई और क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां से भी लाइट रे आई आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हाँ यहां से भी लाइट रे आई आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक और लाइट रे भेज रहे हैं इधर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहां से भी आपने एक लाइट रे भेजी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आपको मालूम है फोकस पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो लाइट रे क्या हो जाती है, बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। समझ में आई बात इतनी? तो अब देखिए होता क्या, अगर बल्ब, अगर सामान्य बल्ब होता, एक बल्ब था, तो अब क्या होता कि अगर मिरर नहीं होता तो कोई लाइट यहां जाती, कोई यहां जा रही थी, कोई यहां जा रही थी, कुछ यहां कुछ यहां, ठीक है, कुछ यहां कुछ यहां, ठीक है। सामान्य बल्ब से ऑल डायरेक्शन में लाइट रेज जाएंगी, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी है, यहां भी यहां भी यहां भी, हर जगह जा रही है, इससे इधर भी आ रही है। अब हमने इस ओर रिफ्लेक्टर लगा दिया और इसके फोकस पे रखा, तो अब हमें जो यहाँ की ओर लाइट रेज मिल रही है वो बिल्कुल पैरेलल है। और हमने क्या है कि जैसे हमें यहाँ देखना था, मान लो यहाँ आपको देखना है, ठीक है, यहाँ कोई चीज, आप रात ये बल्ब जलाए हैं और यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ कोई पहाड़ है उसमें आप देखना चाहते हैं, तो बहुत कम लाइट रेज यहाँ आ रही है, तो यहाँ जो विजिबिलिटी होगी डियर वो बहुत कम होगी, ठीक है, क्योंकि दो चार ही रेज हैं जो इधर की ओर आ रहे हैं, कुछ यहां चलेगी कुछ यहां चलेगी कुछ यहां चलेगी, और हमें यहां नहीं देखना था, ठीक है, तो यहां वाले यहां की ओर जो गई वो वेस्ट होगी समझो, ठीक है, जो यहां की ओर गई है यही इसको दिखाएंगी, इस पहाड़ को, ठीक है। अगर ये सारी लाइट रे मैं इधर ही की ओर भेज दूं मोड़ करके, ठीक है, तो यहां मेरी विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, क्लियर, क्योंकि ज्यादा लाइट आ रही है ना, समझ रहे हैं इस बात को। तो सारी लाइट को मैं इस रिफ्लेक्टर के द्वारा, सारे के सारी लाइट को क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, अब कोई भी एनर्जी का वेस्ट नहीं हुआ, सारी लाइट एनर्जी मैंने इधर की ओर भेज दी, तो इधर जो है जो विजिबिलिटी है डियर वो काफी क्या होगी, क्लियर होगी, क्योंकि ज्यादा लाइट एनर्जी देख रहे हैं तो काफी ज्यादा ब्राइटनेस होगी और चीजें हमें क्या होंगी, साफ साफ दिखाई देंगी। और इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, पुलिस वाले डियर सर्च लाइट में करते हैं, या फिर टॉर्चेज में जो है इस तरीके से इसको, जो बल आपका कौन के मिरर टॉर्च कुछ ऐसा ही तो होता है आपका, ये टॉर्च है जैसे, तो टॉर्च का ये बल्ब है, तो बल्ब ये सरफेस देखिए, ये सरफेस कैसी सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है ना, तो लाइट रे यहां से भी आई, ये सब क्या, ये सारी लाइट रे को क्या कर देता है, बिल्कुल यहाँ पैरेलल कर देता है, ये जो आपका बल्ब होता है, ये बल्ब कहाँ होता है, इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे होता है। तो सर्च लाइट है आपका, हेडलाइट है, ठीक है, टॉर्चेज है, इन सब में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, और किस तरीके से होता है, बल्ब को कहां पर रख देते हैं, कॉनकेव मिरर के फोकस पे रख देते हैं, ये इसका दूसरा एप्लीकेशन, समझ में आई बात है। अब तीसरा वाला, ये वाला चीज का इस्तेमाल किया जाता है, फिर से बना देता हूं मैं दोबारा से, ये साफ साफ, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, पोल, जिस स्फीयर का ये हिस्सा होगा वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सेस, इसके बीच में कहीं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक आधे पे क्या डियर, फोकस, ओके। अब ऑब्जेक्ट जब यहां पे रखा होता है, कहां पर, आपका फोकस और पोल के बीच में, एक लाइट रे इसके हेड से निकाली, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे भेजी, पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, और दूसरी लाइट रे मैंने भेजी, ये एक लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली डायरेक्शन से, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, बिना डेविएट हुए अपने पाथ पर वापस लौट जाती है। अब ये दोनों लाइट रे आगे को आप देखेंगे तो ये डाइवर्ज हो रही होंगी, तो इनको आप जब पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे बेटा, तो ये कहीं इस पॉइंट पे मिलती हुई अपियर होंगी, ठीक है, और यहां पर क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी, और ये इमेज कैसी है,
सबसे पहली बात, और सारे केसेस में इमेज उल्टी बनती है, बट इस केस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, सुलटी बनती है। इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करता है डॉक्टर, ENT, दांत वाले डॉक्टर के पास आप कभी गए होंगे, दांत वाला डॉक्टर डियर आपके जो आप उसका जो उसके पास एक मिरर होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का, ऐसा सर्कल सा, और उसपे ऐसा इस तरीके का ना ये हैंडल है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक कॉनकेव मिरर होता है, और इस कॉनकेव मिरर को वो आपके मुंह पर डाल करके, जैसे दांत की हर लोकेशन से, जैसे ये दांत है, दांत के पीछे साइड से देखना है ना, दांत के पीछे साइड से या यहां से वहां से, तो मुंह के अंदर देखने में काफी क्या है प्रॉब्लम होगी, सीधे सीधे नजर नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसके द्वारा उसकी इमेज देखता है कॉनकेव मिरर के। और कौन सा वाला केस इस्तेमाल करेगा, ये वाला। वो क्या करेगा, टीथ को, हमारे दांत को, सपोज करो ये दांत है, तो दांत को जो है पोल और फोकस के कहाँ रखेगा, बीच में रखेगा, ठीक है, आपके टीथ को, ठीक है। आपका जो टीथ है ये, चलो आपका टीथ हो गया, हाँ, ये आपका दांत है। तो इस टीथ को वो क्या करेगा, इस कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के कहां रखेगा, बीच में रखेगा, ठीक है। तो इमेज कहां मिलेगी आपको, उसकी इमेज जो है मिरर के पीछे यहां मिलेगी। अब वो मिरर के पीछे का मतलब क्या होता है, कि आपको मैंने पहले बताया है कल, मिरर के पीछे का बोले तो होता क्या है, कि ये इमेज पर्दे, वर्चुअल इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, यानी कि वो पर्दे पे नहीं मिलती है। वर्चुअल इमेज कहां नहीं मिलती, पर्दे पे नहीं मिलती। वो किसको दिखती है फिर, अगर यहाँ पर स्क्रीन लगाओगे तो कुछ नहीं दिखने वाला है। तो यहाँ पर जो आई होती है डियर, उसको दिखाई देती है वो इमेज, कहाँ, इस मिरर के अंदर, इसके पीछे। समझ में आई बात, ठीक है। तो दांत को यहां पर रखा है और यहां पर लगाया है कॉनकेव मिरर, तो इसकी बिल्कुल सीधी इमेज मिलेगी। और किसको दिखेगा ये वर्चुअल इमेज, स्क्रीन पे नहीं मिलता है, ये दिखता है हमारी आई को, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इस वाले केस का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है, ENT वाले डॉक्टर्स इस चीज का जो है आपका यूज करते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट की सीधी, ठीक है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट। अब कोई दांत वांत जो है बहुत छोटे होते हैं ना, या फिर कान के या आंख के जो भी पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखने के लिए, छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी मतलब लार्ज और मैग्निफाइड, दो, लार्ज और सीधी, लार्ज मैग्निफाइड और सीधी इमेज देखने के लिए डॉक्टर्स इस केस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप पूछिए। ओके, और क्या कहें आपको, हाँ, मैं इससे पहले वाले के एक टेबल दूंगा आपको, ठीक है, वो टेबल आपको अपनी कॉपी में बनानी है। देन आपको क्या लिखना है, पहले आपको टेबल बनानी है जो मैं सेंड करूंगा, देन आपको एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर लिखना है। ओके, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीक, कहीं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं।